हाँ जी, तां अज आपां डिस्कस करांगे जी जनवरी 2023 दियां स्कीम्स, जिन्नियां भी इंपॉर्टेंट स्कीम्स न्यूज़ दे विच ने उन्हां सारियां नूं अज आपां की करांगे डिस्कस है जिहड़ा करांगे। ठीक है जी, तां थोड़ा देख लैंदे आ किहड़ा किहड़ा डेटा है जिहड़ा आपां ने पढ़ना है। अज आपां ने जिन्नियां भी इंपॉर्टेंट स्कीम्स ने न्यूज़ दे विच हैगियां ने उह सारियां नूं अज आपां ने की करना है डिस्कस है जिहड़ा करना है। ठीक है जी, तां पहला आपां जनवरी 2023 दे ऑलरेडी डिटेल्ड करंट अफेयर दे सेशन कर चुके हैं, जिदे विच आपां ने पॉलिटिकल इशूज़ नूं कवर कर लिया, इकनोमिक इशूज़ नूं कवर कर लिया, इनवायरमेंटल इशूज़ नूं कवर कर लिया, ज्योग्राफी दे जिहड़े कंसैप्ट न्यूज़ दे विच रहे हैं उन्हां नूं कवर कर लिया। ये अपना नैक्सट सैशन है जिदे विच आपां स्कीम्स नूं कवर कर रहे हैं, जिहड़ियां जिहड़ियां इंपोर्टेंट स्कीम न्यूज़ दे विच रही ने वो सारियां नूं आपां इस वीडियो दे विच की करांगे कवर है जिहड़ा करांगे। ठीक है जी, तां स्टार्ट करदे हां जी फिर जिहड़ियां जिहड़ियां स्कीम्स ने। लो जी, तो सब तो पहली जिहड़ी स्कीम न्यूज़ है ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन। देखो ऑल इंडिया, सारे इंडिया दे विच सर्वे होया है कादा, हायर एजुकेशन दा। ठीक है, तो इनू शॉर्ट फॉर्म च लिखा होया ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन। कदों तो ये हो रहे हैं सर्वे, सब तो पहला तो आपां नूं ये पता होना चाहिए जिहड़ा हायर एजुकेशन दा सर्वे है 2011 तो अपने इंडिया दे विच है हो रहा है। केड़ी मिनिस्ट्री दे तहत हुंदा है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यह जिहड़े सर्वे है वो कंडक्ट है करवांदी है। कवरिंग ऑल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट नूं की कीता जांदा जी, कवर कीता जांदा। हुण इंपोर्टेंट चीज़ इहदे विच रीसेंटली की है, क्योंकि जिहड़ा रीसेंट सर्वे आया हुण उहदे विच किहड़ियां इंपोर्टेंट आउटकम सामने आईयां ने वो अपने लिए ज़्यादा इंपोर्टेंट है। देखो स्टैटिक फैक्ट्स तो हैगे आ कि कदों तो शुरू होया 2011 दे विच। ठीक है, और केड़ी मिनिस्ट्री इसनूं कंडक्ट करवाउंदी है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इसनूं कंडक्ट करवाउंदी है, पर उस तो इंपोर्टेंट अपने लिए की चीज़ आती है कि जिहड़ा लास्ट टाइम सर्वे होया सीगा 14-15 दे विच, उहदे विच इह देखिया गया सीगा कि हायर एजुकेशन दे विच फीमेल दी जिहड़ी एनरोलमेंट है वह किन्नी सीगी, 45% है। और जिहड़ा रीसेंट सर्वे निकल के आया 2021 दा, उहदे विच देखिया गया कि फीमेल दी जिहड़ी परसेंटेज है वह किन्नी हो गई है, 49 हो गई है। मीनस लास्ट वाले सर्वे दे नालों हुण की हो चुकी है, फीमेल एनरोलमेंट की हो चुकी है, वध चुकी है। मतलब जिहड़ा अपना जेंडर इक्वलिटी वाली साइड अपना सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उस वाली साइड आप की कर रहे हैं, मूव है जड़ा कर रहे हैं। ठीक है जी, ये सारी चीज़ की रखनी है, तुसी ध्यान रखनी है। और इस तो बिना भी हायर एजुकेशन दे विच स्टूडेंट की जड़ी एनरोलमेंट है ओवरऑल 7.5% की हुई है, इनक्रीज हुई है, सुपर इंपॉर्टेंट। ये दोनों पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ने। ओवरऑल अगर फीमेल नूं भी छड़ दिए, ओवरऑल स्टूडेंट्स नूं देखिए तो 7.5% इनक्रीज होया। अगर फीमेल की गल करिए तो 45 तो लैके 49% हो गया 2021 दे विच। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ां की रखनिया ने, तुसी ध्यान दे विच रखनिया ने। ओके चलो जी, हुण आपां नैक्सट न्यूज़ नूं देखदे हां। अगली न्यूज़ हैगी है मैडिकल टर्मीनेशन ऑफ प्रैगनेंसी एक्ट 2021। सब तो पहला मैं दसदा यही सेम एक्ट, मतलब ये वाला क्वेश्चन PCS प्रीलिम्स दे विच पूछा गया सीगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी। चलो देखते हैं, क्योंकि एक्ट नू 2021 दे विच अमेंड किया गया सी। हुण देखो इहदा आपां नाम, इहदे नाम तो ही क्लीयर हुंदा वी की चीज़ कह रहे हैं, मैडिकल टर्मीनेशन। ठीक है, टर्मीनेट करना किनू, प्रैगनेंसी, प्रैगनेंसी नू टर्मीनेट करन दी गल हो रही है कि केड़ियां केड़ियां कंडीशन दे विच इक वेमेन दी जिहड़ी प्रैगनेंसी है उनू टर्मीनेट किया जा सकता। टर्मीनेट दा मतलब की हो सकता, वी खत्म किया जा सकता। ठीक है, हुण देखो किवें, सब तो पहला अबॉशन बारे गल की गई है कि जिहड़ा विमेन अबॉशन है प्रैगनेंसी तो 20 वीक ऑफ प्रैगनेंसी के दौरान ही किया जा सकता, उस तो बाद जिहड़ा अबॉशन नहीं होएगा। ठीक है, 20 वीक्स जो एक विमेन है 20 वीक्स तक अपना की करवा सकती है, अपना जिहड़ा फीटल है उन्हें अबॉर्ट करवा सकती है, उस तो बाद अबॉशन है जिहड़ा नहीं करवा सकती। पर की मतलब बिल्कुल भी नहीं करवा सकती, कोई एक्सैप्शन नहीं है तो नहीं जी, एक्सैप्शन हैगियां ने। एक्सैप्शन की ने आप पहला उही पढ़ लें कि मान लो 20 वीक तो बाद जिम्मे मान लो कोई इदा की कंडीशन आ गई है कि उन्होंने अबॉशन करवाना पै गया कि वह करवा ही नहीं सकती, नहीं करवा सकती है, 24 वीक तक जो अबॉशन है वह करवा सकती है। बट एक्सैप्शन ये की ने भी लाइक रेप, किसी फीमेल का रेप हो जाता,
कोई वल्नरेबल है या फिर कोई डिफरेंटली एबल है तो वह 20 वीक तो बाद भी की करवा सकते हैं, अबॉर्शन है जरा करवा सकते हैं, ठीक है, अप टू 20 वीक। जे 20 वीक तक अपने अबॉर्शन करवाना तो एक डॉक्टर की सलाह लैनी लाजमी हैगी है, इस तो ज़्यादा एक तो ज़्यादा डॉक्टर की सलाह की जरूरत नहीं हैगी। और 24 वीक तक अबॉर्शन उन्ना लेडीज लिए अलाउड है जिन्हें कि कुछ एक्सेप्शनल केसेस ने या फिर डिसेबिलिटी है या कोई वनरेबल वूमेन है, कोई फीटल एबनॉर्मैलिटी है, ठीक है, या कोई रेप विक्टम है, तो इदा के सिनैरियो 24 वीक तक प्रैगनेंसी के अपना अबॉर्शन है जोड़ा करवा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, और जे 24 वीक तक अपने प्रैगनेंसी अबॉर्ट करवाना है तो वो दो डॉक्टर की जी सलाह लैनी जरूरी हैगी है, ये चीज़ में की रखनी है अपने ध्यान रखनी है। अच्छा, हुण एक स्टेट मेडिकल बोर्ड सैटअप किया गया जिहड़ा कि डिसाइड करेगा टर्मिनेट प्रैगनेंसी बियॉन्ड 20 टिल 24 वीक, ठीक है, एक स्टेट मेडिकल बोर्ड बैठा होगा, अगर कोई इदा की प्रॉब्लम आती है, कोई इदा का स्पैशल केस आता है तो यह जिहड़ा बोर्ड है डिसाइड करेगा कि 20 तो लैके 24 वीक्स तक की 24 वीक्स तक प्रैगनेंसी को टर्मीनेट किया जा सकता या नहीं किया जा सकता, तो यह भी चीज़ तुसी ध्यान रखनी है। अगर कोई फीटल अबनॉर्मैलिटी होंगी है तो भी आप 24 वीक तक की करवा सकते हैं जिहड़ा टर्मीनेट है करवा सकते हैं प्रैगनेंसी को, तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे पॉइंट्स ने जिहड़े सीधे सीधे सेम वड्डे वड्डे पॉइंट्स बना के पीसीएस प्रीलिम्स दे विच जिहड़ा क्वेश्चन है यह पूछा होया सीगा पीपीएससी दे द्वारा, ठीक है जी। चलो नैक्सट अपने पास न्यूज़ के आता है जी सैंड। हुण देखो सैंड क्यों न्यूज़ के आया, क्योंकि रीसेंटली एक प्रोजेक्ट है जिहड़ा कोल इंडिया लिमिटेड वालों शुरू किया गया एम सैंड, आपां एम सैंड ही तो आपां नूं लिखिया दिखेगा बट एम दा मतलब हैगा मैनुफैक्चरिंग मतलब सैंड दी मैनुफैक्चरिंग, ठीक है, कोल इंडिया लिमिटेड वालों सैंड दी मैनुफैक्चरिंग जिहड़ी शुरू कीती गई है। हुण आपां थोड़ा जिहा सैंड बारे पहला देख लैने आ। देखो सैंड एक की है माइनर मिनरल हैगा, ठीक है, माइनर मिनरल हैगा, ये चीज़ की रखनी है तुसी ध्यान रखनी है। और जिहड़े माइनर मिनरल हुंदे ने उन्हां दे उपर एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल किहदा हुंदा, यूनियन सरकार दा हुंदा या स्टेट सरकार दा हुंदा, तो ये भी चीज़ याद रखनी है कि इन्हां दे उपर एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल किहदा हुंदा, स्टेट गवर्नमेंट दा हुंदा हैगा। माइनर मिनरल किसी भी टाइप का कोई भी माइनर मिनरल है उहदे उपर की होगा, स्टेट गवर्नमेंट का की होएगा, अपने पास कंट्रोल है होएगा। हुण जिहड़ा मैनुफैक्चरिंग ऑफ सैंड प्रोजेक्ट है कोल इंडिया लिमिटेड के द्वारा शुरू किया गया किहड़ी मिनिस्ट्री के अंडर आंदा, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। हुण इहदे विच की चीज है नवी, देखो सैंड माइनिंग आपने सुनिया होगा, सैंड माइनिंग की है एक मतलब पानी दे विचों आप जिदा सैंड है जिहड़ी एक्सट्रैक्ट करते हैं, है ना, वो जिहड़ा अपना वाटर टेबल है उहदे लिए काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल है, उहदे नाल अपना जिहड़ा वाटर टेबल है वह भी नीचे जाता है, तो और सैंड की प्रॉब्लम है जिहड़ी किते ना किते आपां नूं पता है कि बनी रहिंदी है, क्योंकि सैंड है जिहड़ा नहीं मिलता है, है ना। तो हुण उस चीज़ नूं ओवरकम करन दे लिए कोल इंडिया लिमिटेड ने सैंड नूं मैनुफैक्चर करन दा प्रोसैस है जिहड़ा एक प्रोजेक्ट है स्टार्ट किया। हुण इहदे विच बेसिकली की होगा कि जिहड़ियां जिहड़ियां चीज़ां तो सैंड बना सकते हैं मैनुफैक्चर कर सकते हैं, लाइक कोई रॉक है, कोई मटीरियल इदा का जितों क्रश करके सैंड बनाई जा सकती है, तो उन्होंने सारिया चीज़ों यूज करके वह की करेंगे सैंड को मैनुफैक्चर करेंगे। जोड़ा वेस्ट मटीरियल है जितों लगता है कि सैंड को मैनुफैक्चर किया जा सकता, तो इदा अपनी जी की होएगा सैंड माइनिंग के उपर डिपेंडेंसी घट जाएगी और अपना जो ग्राउंड वाटर टेबल है नीचे जा रहा वह भी उस चीज़ में भी की मिलेगी राहत है जी मिलेगी, आप उस चीज़ में भी वॉटर भी कंजर्व करने कितना कितने हेल्प मतलब कोशिश है जी कर रहे हैं इतने, तो यद मतलब यही है मैनुफैक्चरिंग ऑफ सैंड याद रखना किने शुरू किया कोल इंडिया लिमिट ने और किहड़ी मिनिस्ट्री दे अंदर आंदा है, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस दे अंदर आंदा है। सैंड की अपने पास एक माइनर मिनरल है जिहदा एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल किहदे कोल हुंदा, स्टेट सरकार दे कोल हुंदा है, कोई भी जिहड़ा माइनर मिनरल है, ठीक है जी। चलो हुण आपां नैक्सट देखदे हां, जिहड़ी नैक्सट न्यूज़ हैगी है वह हैगा जी अपने पास भारत पर्व। भारत पर्व की है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म दे द्वारा एक इनिशिएटिव कह लो या फिर एक उत्सव कह लो कि जिहड़ा शुरू किया गया सीगा 26 तो लैके 31 जनवरी तक 6 दिन का यह उत्सव सीगा, यह एज अ रिपब्लिक सैलीब्रेशन, रिपब्लिक डे सैलीब्रेशन आप करते हैं 26 जनवरी को, है ना, उदा ही एक पार्ट सीगा। और 2016 के की होया सीगा शुरू होया सी 2021 दे विच इनू नहीं सैलीब्रेट किया गया ड्यू टू कोविड करके, पर हुण रीसेंटली इस साल इनू की किया गया मतलब सैलीब्रेट है जिहड़ा किया गया। बेस्ट रिपब्लिक डे परेड टैबलेट्स बाय द जोनल कल्चरल, मतलब वही उत्थे परेड दिखाई जाती है, अलग अलग कल्चर रीप्रजेंट कर दिए ने स्टेट आके, तो यह सारिया चीज़ा सी यूटी और स्टेट्स ने परफॉर्म किया, मे बी तुसी देखा भी होएगा। और इस तो बिना जिवें G20 इस बार इंडिया होस्ट कर रहा है, मिशन लाइफ बारे गल हो रही सी,
ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਭਾਰਤ ਪਰਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। 6 ਦਿਨ ਦਾ ਇਹ ਈਵੈਂਟ ਸੀ, 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਰੱਖਣੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ। ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਈਵੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰੈਸਲਿੰਗ ਦੀ। ਦੇਖੋ ਰੈਸਲਿੰਗ ਕਿਉਂ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਯੂਥ ਅਫੇਅਰ ਐਂਡ ਸਪੋਰਟਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਯੂਥ ਐਂਡ ਸਪੋਰਟਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈੱਡ ਹੈ ਕਿਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ? ਮੈਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਕੀ ਕਰੇਗੀ? ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਇਨਕੁਆਇਰ ਕਰੇਗੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸੈਕਸੁਅਲ ਮਿਸਕੰਡਕਟ ਐਂਡ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਇਨ ਰੈਸਲਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਪੋਰਟਸ ਪਰਸਨ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਕਾਫੀਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਔਰ ਰੈਸਲਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਲੇਅਰਸ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਯੂਥ ਅਫੇਅਰ ਐਂਡ ਸਪੋਰਟਸ ਨੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਹੈੱਡ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰੈਸਲਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗੀ? ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰੇਗੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈੱਡ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਮੈਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ। ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹੈੱਡ ਮੈਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰੈਸਲਿੰਗ ਕੀ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰੈਸਲਿੰਗ ਬਾਰੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਰੈਸਲਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 5th ਮਿਲੇਨੀਅਮ BC ਤੋਂ ਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਬਿਫੋਰ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਐਰਾ ਤੋਂ ਹੀ ਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਮਾਲ ਯੁੱਧਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਲ ਯੁੱਧਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਮਾਲ ਯੁੱਧਾ। ਔਰ ਇਹ ਇਸ ਵਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈੱਡ ਕੌਣ ਹੈ? ਮੈਰੀ ਕੌਮ। ਮੈਰੀ ਕੌਮ ਕਿੱਥੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੈ ਜੀ? ਮਣੀਪੁਰ ਤੋਂ। 6-time ਵਰਲਡ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਮੈਰੀ ਕੌਮ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੀ ਸਕੀਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਵਾਮਿਤਵਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਵਾਮਿਤਵਾ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਸਰਵੇ ਆਫ ਵਿਲੇਜ ਐਂਡ ਮੈਪਿੰਗ ਇੰਪਰੋਵਾਈਜ਼ਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆਫ ਵਿਲੇਜ ਏਰੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਵਿਲੇਜ ਏਰੀਆ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆ ਬਾਈ ਡਰੋਨਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਆਬਾਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮੈਪਿੰਗ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੈਪ ਕਰਕੇ ਡਰੋਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕਾਰਡ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਜਿਹਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦਾ ਸਹੀ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗਾ, ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਈਜ਼ਲੀ ਲੋਨ ਵਗੈਰਾ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈਲਪ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੋਨ ਵਗੈਰਾ ਅਗਰ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ 6 ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਹਰਿਆਣਾ, MP, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰਾ, UP, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਐਂਡ ਕਰਨਾਟਕਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਰੀਸੈਂਟਲੀ? ਇਹ ਵੈਸੇ ਤਾਂ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਸਕੀਮ, ਪਰ ਇਹ ਹੁਣ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਆਈ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਕੀ ਪਲਾਨ ਹੋਇਆ? ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਕ੍ਰੋਪ ਸਰਵੇ। ਹੁਣ ਡਿਜੀਟਲ ਕ੍ਰੋਪ ਸਰਵੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ? ਬਾਈ ਡਰੋਨਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝਿਆ, ਫਰੋਮ ਖਰੀਫ 2023 ਅਕਰੋਸ 10 ਸਟੇਟਸ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸੀਗੀ 6 ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਖਰੀਫ ਸਰਵੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ 10 ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਡਕਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਹੈ ਇਹ 24 April 2020 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ 24 April ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਆਪਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਡੇ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਡੇ ਜਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੰਚਾਇਤੀ ਡੇ ਆਪਾਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਸਕੀਮ? ਸੈਂਟਰਲੀ ਸੈਕਟਰ ਹੈ, ਮਤਲਬ 100% ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰੇਗੀ? ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਰੇਗੀ। ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਇਹਦੀ ਕੀ ਹੈ? ਨੋਡਲ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਵੈਲੀਡੇਸ਼ਨ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਇਨ ਰੂਰਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰੂਰਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ? ਮੈਪਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਵਿਦ ਡਰੋਨਸ। ਕਿਹਨੂੰ? ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਪਿੰਗ ਹੈ 2020 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2024 ਤੱਕ ਫਾਈਨਲੀ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਕੰਪਲੀਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸਵਾਮਿਤਵਾ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਕੀਮ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਇਹਦੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ, ਇਹਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ, ਔਰ 24 April ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਲਾਂਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਸਕੀਮ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਜੀ ਹਕੂ ਪਾਤਰਾ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਕੂ ਪਾਤਰਾ, ਹਕੂ ਪਾਤਰਾ ਮਤਲਬ ਲੈਂਡ ਟਾਈਟਲ ਡੀਡਸ, ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਉਹ ਨੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਹਕੂ ਪਾਤਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ?
ਇਹ ਕਿਉਂ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇਹ ਲੰਬਾਨੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਲੰਬਾਨੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਬੰਜਾਰਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕਾਰਡਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਸੋਰੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬੰਜਾਰਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੋਮੈਡਿਕ ਟ੍ਰਾਈਬ ਹੈ। ਨੋਮੈਡਿਕ ਟ੍ਰਾਈਬ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਨੋਮੈਡਿਕ ਟ੍ਰਾਈਬ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਘੁੰਮਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੋਮੈਡਿਕ ਪੀਪਲਸ ਐਂਸ਼ੀਅਨਟ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਇਹ ਨੋਮੈਡਿਕ ਟ੍ਰਾਈਬ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵਸੀਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਕਸ ਜੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਏਰੀਆ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲੀ ਹੈਲਪ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਲੋਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਦੇ ਇਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਹਕੂ ਪਾਤਰਾ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਇਹ ਓਨਰਸ਼ਿਪ, ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਕੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਲੈਂਡ ਟਾਈਟਲ ਡੀਡਸ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਨਦਰ ਨੇਮ ਵੀ ਹੈ ਹਕੂ ਪਾਤਰਾ ਦਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਚਲੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਯੂਨੀਅਨ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਫਾਰ ਰੋਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਹਾਈਵੇ ਨੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੋਡ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨੇ ਉਹ 50% ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਘੱਟ ਜਾਣਗੇ 2025 ਤੱਕ। ਮਤਲਬ ਰੋਡਸ ਦੀ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੈਟਰ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਰੋਡਸ ਦਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਰੋਡ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਬਾਏ 50% ਬਿਫੋਰ ਐਂਡ ਆਫ 2025। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਜਸਟ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਜਾਂ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਨੇ, ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਜਾਂ ਰੋਡ ਸੇਫਟੀ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲਾ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲਾ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਰੋਡ ਸੇਫਟੀ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਜਨੇਵਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ 1949 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੋਡ ਸੇਫਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਸਟਾਕਹੋਲਮ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਰੋਡਸ ਸੇਫਟੀ ਆਫ ਰੋਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰੋਡ ਸੇਫਲੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੇ 2030 ਤੱਕ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਔਰ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਸ ਨੇ ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਰੋਡ ਸੇਫਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਨਿਊਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਐਨੂਅਲ ਸਟੇਟਸ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਰਟ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਸਰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ASER, ਐਨੂਅਲ ਸਟੇਟਸ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਇਹ 2005 ਤੋਂ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਲੀਅਰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਐਨੂਅਲ, ਐਨੂਅਲ ਮਤਲਬ ਸਲਾਨਾ। ਸਟੇਟਸ, ਸਟੇਟਸ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿਹਦਾ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਣੇਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਕੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਸਟੇਟਸ ਦੱਸੇਗੀ ਕਿਹਦਾ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਹੁਣ ਨੇਸ਼ਨ ਵਾਈਡ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਲੈਡ ਹਾਊਸਹੋਲਡ ਸਰਵੇ ਆਫ ਚਿਲਡਰਨ ਸਕੂਲਿੰਗ ਐਂਡ ਲਰਨਿੰਗ ਇਨ ਰੂਰਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਂਚ ਹੋਈ ਹੈ, 19ਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀਗੀ 17th ਰਿਪੋਰਟ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗਰਲਸ ਦੀ ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਕੀ ਹੈ, ਵਧੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਏਸਰ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਕੀ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵੇ ਹੈ ਕੰਡਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਰੂਰਲ 'ਚ ਵੀ ਔਰ ਅਰਬਨ 'ਚ ਵੀ? ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਨੇਸ਼ਨ ਵਾਈਡ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਲੈਡ ਹਾਊਸਹੋਲਡ ਸਰਵੇ ਹੈ ਆਫ ਸਕੂਲ ਚਿਲਡਰਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਔਰ ਲਰਨਿੰਗ ਇਨ ਰੂਰਲ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਏਸਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਪਰਫੋਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਰੂਰਲ, ਰੂਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਜੈਂਡਰ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ ਹੈ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਵਾਰ ਕੀ ਹੈ, 17ਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤਾਂ ਕੰਡਕਟ ਕਰਦਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਕੌਣ ਕੰਡਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਐਨਜੀਓ ਪ੍ਰਥਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੰਡਕਟ ਹੈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ ਕਿੱਥੋਂ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 3 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 16 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਔਰ ਰੀਡਿੰਗ ਐਂਡ ਅਰਥਮੈਟਿਕ ਐਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 5 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 16 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਸਮਟਾਈਮ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਏਸਰ ਰਿਪੋਰਟ ਕੌਣ ਕੰਡਕਟ ਕਰਦਾ, ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਪ੍ਰਥਮ ਐਨਜੀਓ, ਐਨਜੀਓ ਪ੍ਰਥਮ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਕੰਡਕਟ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਕੰਡਕਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰੂਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਵਾਰ 19ਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, 17ਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਗਰਲਸ ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਕੀ ਰੱਖਣੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੇ ਨੇ। IGOT ਕਰਮ ਯੋਗੀ ਪੋਰਟਲ, ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਕ੍ਰੀਏਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਵੈਲ ਟ੍ਰੇਨਡ ਐਂਡ ਫਿਊਚਰ ਰੈਡੀ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਫਾਰ ਇੰਡੀਆ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿਵਲ ਸਰਵੈਂਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਬੈਟਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵੈਲ ਇੰਪਲੋਇਡ, ਇੱਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੈਲ, ਇੱਕ
अच्छा सरकारी कर्मचारी है जेड़ा वह किदां बन सकता, वह सारिया चीज़ां इस पोर्टल दे विच दसियां जाणदियां ने। होर इहदे विच कुछ खास नहीं है, ठीक है जी। चलो ये चीज़ थोड़ा जिहा ध्यान रख तुसीं रखना है। हुण आपां नैक्सट न्यूज़ देखते हैं। नैक्सट न्यूज़ हैगी है नैशनल कैंसर ग्रिड। हुण देखो नैशनल कैंसर ग्रिड बेसिकली की है, नैशनल मतलब इंडियन लैवल पर ही हैगा, कोई वर्ल्ड लैवल पर नहीं हैगा। कैंसर, कैंसर आपां नूं पता ही है, और ग्रिड, ग्रिड बेसिकली की हुंदा कि काफ़ी सारिया चीज़ों को कंबाइंड करके जो आपां इह बना लैंदे ने एक मेन जिहड़ी चीज़ लीड करती है, ठीक है। तो इहदे विच बेसिकली मल्टीपल जिहड़े कैंसर इंस्टीट्यूट ने उन्हां नूं इंटरकनैक्ट किया जाएगा और एक ग्रिड बना लिया जाएगा, ठीक है। हुण देखो की लिखा, यूनियन ऑफ कैंसर सेंटर इन द कंट्री, मतलब जिन्ने भी कैंसर सेंटर ने इंस्टीट्यूट्स ने उन्हां दी यूनियन बना ली जाएगी, ठीक है जी। इनिशिएटिव की दा है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी दा, सब तो ज्यादा इंपॉर्टेंट इहदे विच समझण वाला यही है। हुण देखो जिहड़ा नैशनल कैंसर ग्रिड है इहदे विच बेसिकली इहदा बेसिक एम की है कि कैंसर वर्गी बीमारी तो राहत दिलवानी है ना, जिहड़े कैंसर पीड़ित पेशेंट हैगे ने उन्हां दी केयर किद्दां करनी है, उन्हां नूं बैटर तो बैटर आपां ने फैसिलिटी है जिहड़ी प्रोवाइड करनी है। पर सब तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट इहदे विच अपने लिए पढ़न एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू दे नाल की इंपॉर्टेंट है कि किहड़े डिपार्टमेंट दा इनिशिएटिव है, तो याद रखना डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी इहदा की है जी मेन इनिशिएटिव हैगा है, ठीक है। क्योंकि आप मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर नाल कन्फ्यूज हो सकते हैं क्योंकि कैंसर है, ठीक है। तो यह चीज़ याद रखनी है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी है, डिफरेंट डिपार्टमेंट है, तो इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता। और ये बेसिकली हुण आप नैशनल कैंसर ग्रिड किदा कह रहे हैं आप इंप्रूव करने लिए, आप कह रहे हैं कि आप डिजिटल टेक्नोलॉजी का जोड़ा यूज़ है वह वधा के जी कैंसर केयर है उसनों वधाना है। तो मतलब कैंसर केयर के अपने डिजिटल टेक्नोलॉजी में की करना है, यूज करना है ताकि अपनी कैंसर केयर की जा सके, इंप्रूव है जी की जा सके। ये मेन की हैगा जी अपना नैशनल कैंसर ग्रिड का जोड़ा मेन एम है, मेजर एम है वह यही है, ठीक है जी, क्लीयर। हुण आपां अगे चलते हैं, नैक्सट जिहड़ी स्कीम हैगी है अटल भूजल योजना। ये वैसे भी काफ़ी पुरानी स्कीम है जी अटल भूजल योजना। हुण इहदे विच इह न्यूज़ क्यों है, क्योंकि अपना जिहड़ा वाटर टेबल है वह डे टू डे की जा रहा है, या अपना ग्राउंड वाटर है वह डे टू डे नीचे जा रहा है, ठीक है। तां करके इह न्यूज़ दे विच हैगी है या रहिंदी है कह सकते हैं। तो 6,000 करोड़ रुपया इस स्कीम के लिए की किया गया सी, अलॉट किया गया। और यह सिर्फ कल्ली इंडिया की स्कीम नहीं हैगी, कल्ले इंडिया ने ही ये कॉन्ट्रीब्यूट नहीं किया, वर्ल्ड बैंक ने भी ये किया है कॉन्ट्रीब्यूट है जोड़ा किया है, 50-50 की पार्टनरशिप या कॉन्ट्रीब्यूशन हैगी है। ये बेसिकली ग्राउंड वाटर रिचार्ज करन दे लिए हैगा, क्योंकि आप ग्राउंड वाटर बहुत ज़्यादा ओवर एक्सप्लॉयट है जोड़ा करते हैं। ये कि स्टेट के जी इंप्लीमेंट है हुई है, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटका, MP, महाराष्ट्र, राजस्थान एंड UP, इन 7 स्टेट के इंप्लीमेंटेशन हुई है। नैक्यू की है नेशनल एक्वीफायर मैपिंग एंड मैनेजमेंट इंप्लीमेंटेड बाय द सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड। हुण देखो एक्वीफायर मैपिंग की है, नेशनल एक्वीफायर मैपिंग एंड मैनेजमेंट की है कि बेसिकली जिहड़ियां पानी नूं एक्वीफाई करना है ना, मतलब की है भी जिहड़ियां चट्टानां दे विच जिथे भी आपां नूं लगदा है कि पानी का कोई रिसोर्स हैगा है उत्थों आपां पानी नूं रिचार्ज या एक्सट्रैक्ट है जिहड़ा कर सकीए, ये चीज़ इहदा मेन की है एम है। इहदे लिए की बनिया, एक सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड बनाया गया जिहड़ा कि पार्ट होएगा ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट एंड रिचार्ज स्कीम है ये, ठीक है। कि पानी नूं मैनेज भी करना है अपने, तो पानी नूं अपने रीजनरेट भी करना है या रिचार्ज कह सकते हैं, रीजनरेट आएगा वैसे इत्थे। और यही केड़ी स्कीम है, यह सेंट्रली सैक्टर स्कीम है, ठीक है जी, याद रखियो। और केड़ी डिपार्टमेंट वालों, पहला इनू डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स रिवर बोलिया जाता सीगा, गंगा रेजुनेट, बट हुण इहदा नाम की हो गया, चेंज हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। मतलब हुण आपां की कहांगे, जिहड़ा इह इनिशिएटिव हैगा है केड़ी मिनिस्ट्री दे अंडर आंदा है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति दे अंडर है जिहड़ा आंदा है। तो इस चीज़ नूं की रखना है, तुसीं ध्यान दे विच रखना है, ठीक है जी। चलो स्वदेश दर्शन, ये स्कीम नूं आपां ने लास्ट जिहड़े मंथ्स दे करंट अफेयर सीगे उन्हां दे विच वी आपां ने थोड़ा डिस्कस कीता सीगा, तो एक बार इत्थे देख लैंदे आ क्विकली। जिहड़ी इह स्वदेश दर्शन है, स्वदेश दर्शन मतलब पूरे देश दे दर्शन करने बेसिकली, वह चीज़ है यह सेंट्रली सैक्टर है। 2014-15 दे विच की कीती गई सी, शुरू कीती गई सी, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड कल्चर है जिहड़ी उन्हें यह स्कीम है जिहड़ी स्टार्ट कीती सी। बेसिकली इहदे विच थीम बेस्ड सर्किट है जिहड़े रखे गए ने, ठीक है। उन्हें की मतलब है कि थीम बेस्ड सर्किट की ने, ये बेसिकली इस स्कीम का जिहड़ा मेन उद्देश की है टूरिज्म नूं प्रमोट करना है। अगे भी आपां देख लैने आ, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म
फाइनेंशियल असिस्टेंस करेगी कि ना नू स्टेट ते यूटीज नू ताकि वह एडमिनिस्ट्रेशन इंफ्रास्ट्रक्चर नू बेटर बना सकन किथे इन्हां सर्किट्स दे विच। हुण किन्ने हे सर्किट ने ये भी याद रखने ने 15 की ने सर्किट हैगे ने देश दे विच अलग अलग 15 जिहड़े सर्किट आ बनाए गए ने किवें। हुण देखो कुछ एग्जाम्पल दे दिंदी आ मैं कुछ जिवें हैगा बुद्धिस्ट सर्किट। हुण बुद्धिस्ट सर्किट दे विच की होगा जिन्नियां भी बुद्धिस्ट साइड ने उन्हां सब दी यात्रा होगी ठीक है। एक अपने पास हो गया जिवें तीर्थांकर ठीक है तीर्थांकर सर्किट जिन्हें भी अपने जैनिज्म तीर्थांकर कोई साइट्स हैं उन्होंने। एक ये हैगा रूरल सर्किट जिहड़े कि मतलब रूरल विजिट करना चाहते ने देखना चाहते ने अलग अलग कल्चर देखना चाहते ने उन्होंने इदा करके रूरल सर्किट है जोड़ा बनया हुआ। तो इदा करके ना 15 सर्किट इन्होंने की किए हुए ने बनाए हुए ने कादे लिए टूरिज्म के लिए। जिहड़ी मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म है वह स्टेट्स से यूटीज़ नू फाइनैंशली की करेगी हैल्प करेगी ताकि वह अपने एरिया दे विच इन्हां सर्किट्स दे विच बैटर इंफ्रास्ट्रक्चर है जोड़ा की कर सकन डेवलप है जोड़ा कर सकन। केड़ी मिनिस्ट्री का इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड कल्चर का मेन उद्देश्य की है टूरिज्म प्रमोट करना किहड़े साल च शुरू हुई है 14-15 शुरू हुई है और हैगी किहड़ी है सेंट्रली सैक्टर यह स्कीम है मीनस 100% जिहड़ा कॉन्ट्रीब्यूट है वह कौन करेगी यूनियन गवर्नमेंट है जिहड़ा करेगी ठीक है जी। तो यह भी चीज़ की रखनी है तुसीं ध्यान दे विच रखनी है। चलो अगली न्यूज़ देखते हैं जी आपां। अगली न्यूज़ हैगी है वन नेशन वन राशन कार्ड। वैसे भी इंपॉर्टेंट है 2019 दे विच की हुई सी जी स्कीम है जिहड़ी शुरू हुई सी एक नेशन दे विच मतलब एक ही राशन कार्ड है जिहड़ा चलेगा। यह नहीं हैगा कि अलग अलग स्टेट दे विच अलग अलग राशन कार्ड की जरूरत नहीं है भी इंटरलिंक कर दिता जाएगा। हुण यह केड़ी मिनिस्ट्री दे अंडर आंदा है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। 2019 दे विच शुरू हुई है इहदे विच 10 डिजिट का एक नंबर है इशू कर दिता जाएगा BPL कार्ड होल्डर नू और उसनू किहदे नाल लिंक कर दिता जाएगा आधार दे नाल। हुण इहदा मेन परपस की है इहदा मेन परपस यह है कि जिहड़े माइग्रेट पीपल ने ठीक है जिहड़े एक जगह तो एक स्टेट तो इत्थे घूमदे ने यूपी तो इत्थे पंजाब दे विच काफ़ी लोग आते हैं कम करन दे लिए है ना। हुण ओह जिहड़े BPL फैमिलीज़ तो बिलोंग करते हैं या जिन्हां कोल BPL कार्ड्स ने हुण अपने स्टेट दे विच ओह जिहड़ियां अपनियां शॉप्स ने राशन वालियां शॉप्स ने उत्थों दा फ्री राशन लै लैंदे ने पर किसी दूसरी शॉप दे विच जा सॉरी स्टेट दे विच जाके उन्हां नूं की आ जांदी है प्रॉब्लम है जिहड़ी आ जांदी है। तां बेसिकली जिहड़ी इह स्कीम है उन्हां माइग्रेंट्स पीपल दे लिए ज़्यादा बेनीफिट रहेगी ठीक है जी। जिहड़ियां अपनियां फेयर प्राइस शॉप्स ने जिन्हां नूं आपां राशन बुक डिपू कहिंदे आ राशन बुक डिपू है ना जिथों जाके दालां चावल वगैरह काफ़ी फ्री जिहड़ा अनाज है जिहड़ा मिलदा है लोकां नूं तां इह उन्हां लोकां दे लिए ज़्यादा बेनीफिट रहेगा कि उह किसी भी स्टेट दे विच जाके चाहे कम कर रहे ने और उह किसी भी स्टेट तो चाहे बिलोंग करते हैं उन्होंने यह जिहड़ा BPL कार्ड है ये लिंक कर दिता जाएगा विद आधार और किसी भी स्टेट के जाके फिर प्राइस शॉप तो अपना राशन वगैरह की कर सकते हैं लै सकते हैं। यह की है इसलिए नाम पिया वन नेशन एक नेशन एंड वन राशन कार्ड। क्लीयर है जी। तो यह चीज़ भी की रखनी तुम ध्यान रखियो मिनिस्ट्री जरूर ध्यान रखियो ईयर जरूर ध्यान रखियो। चलो हुण अगला अपने पास हैगा फर्स्ट एडवांस एस्टीमेट्स ऑफ नैशनल इनकम रिलीज्ड बाय नैशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। हुण देखो जी की है फर्स्ट एडवांस एस्टीमेट की होंदा है। पहली गल तो यही क्वेश्चन आता है कि जिहड़ा फर्स्ट एडवांस एस्टीमेट होंदा है वह किहड़े कदों लगता है ये याद रखियो फर्स्ट वीक ऑफ जन फस्ट वीक ऑफ जन दे विच इह है जिहड़ा आ जांदा है अपना फस्ट एडवांस एसटीमेट। एडवांस एसटीमेट का मतलब की है कि जिहड़ा बजट उस साल दे विच पेश हुंदा है उहदा पहला ही एडवांस एसटीमेट लग जांदा है। फिर उस तो बाद की है सैकेंड एडवांस एसटीमेट लगता है। सैकेंड एडवांस एसटीमेट वह कदों लगता है लास्ट वीक ऑफ फैब। ये भी चीज़ की रखनी है तुसीं थोड़ा ध्यान रखियो सैकेंड एडवांस एसटीमेट कदों लगता है सैकेंड वीक ऑफ फैब और ये कौन लाता है अपना NSO लाता है। हुण इहदे विच रीसेंटली की कहा है कि बजट जिस अकॉर्डिंग सरकार ने पेश किया है उस अकॉर्डिंग बजट के अकॉर्डिंग इस बार 22-23 जिहड़ा अपना ईयर है उहदे विच 7% जिहड़ी GDP आ वध के किन्नी हो जाएगी अपनी 7% है जिहड़ी हो जाएगी। मतलब यह एडवांस दे विच एस्टीमेट है जिहड़ा लाया है भी जिदा जिदा सरकार ने बजट नूं प्रपोज किया है वह सारिया गाइडलाइनस नूं ध्यान दे विच रखते हुए मतलब की किया गया एक एसटीमेट लगाया गया है कि हाँ इस तरीके दे बजट दे नाल किन्नी कि इकनोमिक है जिहड़ी ग्रोथ है वह होएगी उन्हों की कहा गया है जी फस्ट एडवांस एसटीमेशन ऑफ नैशनल इनकम रिलीज बाय NSO। अच्छा 20-point प्रोग्राम ये थोड़ा मतलब इतने रिटन किया होया जी 20-point प्रोग्राम ये वैसे हुण दा नहीं हैगा ये 1975 दे विच एक प्रोग्राम है जिहड़ा चलिया सीगा जिहदा नाम हैगा 20-point प्रोग्राम।
और जिहड़ा 20 पॉइंट प्रोग्राम है तीन बार अगे जाके रीस्ट्रक्चर किया गया 82 दे विच 86 दे विच 2006 दे विच। मतलब 20 पॉइंट प्रोग्राम का हुण की मतलब सीगा, ए बेसिकली की सीगा, अपने जिन्ने भी प्रॉब्लम्स ने जिवें अपनी पॉवर्टी प्रॉब्लम है, अपनी जेंडर रिलेटेड इक्वलिटी रिलेटेड प्रॉब्लम है, या होर जिन्नियां भी अपनियां आर्थिक प्रॉब्लम्स ने या देश दीयां जिहड़ियां प्रॉब्लम्स ने, उन्हां सारियां नूं 20 पॉइंट्स दे विच कंक्लूड किया गया सी। ओह 20 प्रॉब्लम सी, इसलिए इन्हां नूं नाम दिता गया 20 पॉइंट प्रोग्राम। तीन बार रीस्ट्रक्चर किया गया, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन ने इहनू की किया सीगा जी, इंप्लीमेंट किया सीगा। और यह जिहड़ा 20 पॉइंट प्रोग्राम है ये बोथ रूरल एंड अर्बन एरिया के लिए की किया गया सी, बनाया गया सीगा। ठीक है जी, तो ध्यान दे विच रखियो। चलो हुण आपां नैक्सट न्यूज़ देखते हैं जी। नैक्सट कि न्यूज़ हैगी है जी अपनी, नैक्सट न्यूज़ भी अपनी जिहड़ी हैगी है वह एजुकेशन बेस्ड ही हैगी है। की कह रहा इस न्यूज की कह रहा, यूजीसी रिलीज्ड ड्राफ्ट रेगुलेशन टू अलाउ फॉरेन यूनिवर्सिटी टू एंटर इन इंडिया। इंपॉर्टेंट अपना रीसेंट वन लाइनर ये क्वेश्चन भी बनता कि पहली जिहड़ी फॉरेन यूनिवर्सिटी है जिहड़ी इंडिया दे विच आ चुकी है वह केड़ी है, ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी है। केड़ी सिटी दे विच ओह यूनिवर्सिटी है जिहड़ी आई है, तो वह हैगी अपनी गिफ्ट सिटी, है ना, गुजरात गिफ्ट सिटी दे विच आई है। वह केड़ी यूनिवर्सिटी, उहदा नाम की है तुसीं दसोगे वन लाइनर, करंट अफेयर वाली वीडियोज़ दे विच तुसीं जरूर पढ़िया होएगा। तो याद रखियो जी, पहली फॉरन यूनिवर्सिटी नूं एंट्री, अपनी फॉरन यूनिवर्सिटी नूं यूजीसी ने की कर दी गई है एंट्री है जिहड़ी अलाउड है कर दी गई है। हुण थोड़ा जिहा आपां क्योंकि ये न्यूज़ दे विच है तो आपां नूं की पता होना चाहिए कि जिहड़ी यूजीसी है वह की है। यूजीसी की है, एक स्टैचूटरी बॉडी है, ये चीज़ की रखना है तुसीं ध्यान दे विच रखना है। और यह डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन के नाल की करती है, डील कर रही है हायर एजुकेशन ही डील कर दी है यह। और यह ओनली ग्रांट ग्रीविंग एजेंसी है, मतलब यह बेसिक काम की है ग्रांट देना, ठीक है। और यदियाँ दो रिस्पोंसिबिलिटीज ने इस यूजीसी जिहड़ा बोर्ड है अपना, उहदियाँ एक तो फंडस देना, जिहड़े हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स ने उन्होंने फंडस की अलॉटमेंट करनी, और दूसरा अपने पास की है मेनटेन करना द स्टेटस ऑफ हायर एजुकेशन। और हायर एजुकेशन का जोड़ा स्टेटस है वो बैटर बना के रखना और मेनटेन रखना, यह दोनों चीज़ों की रखना है तुम्हें ध्यान के रखना है। और इस तो बिना हूँ यह जी मेन काम की है, होर इस तो बिना मेन एम कि ने अपने यूजीसी के, एक तो यूनिवर्सिटी एजुकेशन प्रमोट करना, यूनिवर्सिटीज़ के रिसर्च को प्रमोट करना, लिंक बना के रखना यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग, ठीक है जी। और टीचिंग स्टैंडर्ड्स नू की करना, वधाना या रेज करना, ये मेन की ने एम ने अपने की दे यूजीसी दे। हुणे न्यूज़ च आया क्योंकि पहली फॉरेन यूनिवर्सिटी है जिहड़ी ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी है गिफ्ट सिटी गांधीनगर गुजरात दे विच, जिन्हों परमिशन है जिहड़ी दित्ती गई है और आ चुकी है, उहदे करके ही यूजीसी है जिहड़ा न्यूज़ दे विच आया है। ते हुण इहदे लिए आपां ने सारे यूजीसी दे नाल किहड़े किहड़े पॉइंट्स आपां तों पुछ सकदा है, किद्दां दी बॉडी है, स्टैचूटरी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इदां दे सारे पॉइंट्स आपां ने की कीते हैं डिस्कस है जिहड़े कीते हैं, ठीक है जी। चलो हुण इहदे नाल आपणियां जिन्नियां इंपोर्टेंट स्कीम सीगियां वह सारियां कवर हुंदियां ने, ते कुछ डिफेंस एंड सिक्योरिटी दियां एक एक्सरसाइज इत्थे लिखी हुई है आपां देख लैंदे हां। वीर गार्डियन ये पता ही है जी तुहानूं, इंडिया एंड जापान दे विच हुई है, और यह एयर वैरियर मतलब एयर एक्सरसाइज हैगी है, ठीक है, एयरफोर्स दी यह एक्सरसाइज है जिहड़ी हैगी है। तो याद रखना कि वीर गार्डियन किहदे विच हैगी है, इंडिया एंड जापान दे विच कंडक्ट कीती गई है। अच्छा हुण ये थोड़ा जा एक न्यूज़ दे विच हैगा तो आप थोड़ा जा देख लेने हैं, क्योंकि रीसेंटली जिन्ने भी स्टेट्स ने अपनी इंडियन दियां अपनी इंडिया दे विच जिन्नियां भी स्टेट्स ने और जिन्नियां भी यूटीज़ ने, सब दे डीजीपीज ने रीसेंटली की कीती है एक कॉन्फ्रेंस है जिहड़ी कीती है लॉ एंड ऑर्डर दे लिए। तां हुण कॉन्फ्रेंस दे विच कुछ खास कंकलूजन तो नहीं हैगा, तो क्योंकि ये न्यूज़ दे विच हैगा तो आप पुलिस नाल रिलेटेड थोड़ी जी चीज़ा है वो डिस्कस कर लें, ताकि आपां नूं अगर पेपर दे विच पुलिस दे रिलेटेड कुछ भी पुछया जांदा तां आपां नूं उत्थे आंदा होवे। तां सब तो पहला आपां नूं इह पता होना चाहिए जिहड़ा पुलिस सबजैक्ट है ओह किहड़ा सबजैक्ट है। तां याद रखना जी, पुलिस है जिहड़ा स्टेट दा सबजैक्ट है। आपां तीन लिस्टां पढ़दे हां, एक यूनियन लिस्ट हुंदी है, एक स्टेट लिस्ट हुंदी है, एक कॉन्करेंट लिस्ट हुंदी है। तां जिहड़ा पुलिस सबजैक्ट है स्टेट दा सबजैक्ट है, इह चीज़ की रखनी है तुसीं ध्यान रखनी है। अच्छा हुण इह जिहड़ियां तीन कमेटीज़ लिखियां होईयां ने इह पुलिस रिफॉर्म्स दे नाल रिलेटेड ने, तां करके लिखियां होईयां ने क्योंकि हुण देखो पुलिस
ਕਨਸੈਪਟ ਨਿਊਜ਼ 'ਚ ਹੈ ਜਾਂ ਸਬਜੈਕਟ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਮੇਟੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਲੀਮਤ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ? ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਰਿਫੋਰਮਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਆ। ਰੈਬਰੋ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ? ਪੁਲਿਸ ਰਿਫੋਰਮਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ, ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ। ਪਦਮਨਾ ਭਾਇਆ ਕਮੇਟੀ, ਇਹ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਰਿਫੋਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਰਿਲੇਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਮੇਟੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਰਿਫੋਰਮਸ ਆਪਣੇ ਦੱਸੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੇਟੀਜ਼ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਰਿਫੋਰਮ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਔਰ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਰਿਫੋਰਮ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਕੀਮਸ ਸੀਗੀਆਂ ਜਨਵਰੀ 2023 ਦੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਕਵਰ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਰਹਿ ਗਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ ਐਂਡ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਈਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ।